जो किसान बिल आया है जिसमें तरह तरह की फायदा देने की बात की जा रही है, किसानों को बिचौलिए का यानी दलाल का रोल खत्म हो जाएगा, ये सारी तमाम बातें की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं अपने दृष्टि से बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जो सरकार ने जो बिल बनाया है किसान के लिए, वो बहुत अच्छा सराहनीय है। और जो बिचौलियों से हम लोग को बचा रहे हैं किसान को, वो तो वो भी सराहनीय काम है सरकार का। तो हम लोग मतलब बहुत अच्छा होगा इसके लिए, तो अगर सरकार हम लोग से डायरेक्ट करा के माल खरीद ले हम लोग से, तो इससे अच्छा ना होगा। अगर सरकार यहाँ आके डायरेक्ट हम लोग से खरीद लेगा माल तो अच्छा है, इसीलिए तो बड़ा किसान को उसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा, छोटा किसान को तो उतना ये नहीं होगा। किस तरह से फायदा होगा आप लोगों को अगर सरकार आपको डायरेक्ट खरीद दे? तो इसे हम सरकार हमसे डायरेक्ट ले लेगा तो हम लोग को जो बीच के जो मुनाफाती होता है, जो दलाल लोग रहते हैं वो लोग से तो बच जाएगा हम लोग को पैसा, जो वो लोग पैसा बीच में बढ़ता तो वो लोग खाते थे, वो लोग तो पैसे बच जाएगा। और डायरेक्ट अगर सरकार लेगा तो हम लोग को तो कुछ फायदा होगा ही। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दलाल के यहाँ बेचते हैं सब्जी उब्जी जो भी चीज़ है, दलाल अपना कमाई अपने कमा लेता है, किसान भाई कमा रहा है जो अपना तो कमा ही रहा है, लेकिन उनका कमाई जैसे अभी मोदी सरकार जो थी किसान बिल जो बनाएगी तो उसे लाभ हो सकती है हम लोग को। आप लोगों को लाभ होगा लगता है? प्रयास तो करेंगे लाभ करने का।